हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक सीखने वाले हैं। एक ऐसा ट्रिक जिससे आप परसेंटेज के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। बहुत सारा परसेंटेज का क्वेश्चन ऐसा होता है जिसे आप इस ट्रिक से बहुत आसानी से कर सकते हैं, और ये ट्रिक ना बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है। परसेंटेज पूरा परसेंटेज पढ़ लेते हैं लेकिन ये ट्रिक उन्हें पता नहीं होता है। और मैं सही बोल रहा हूँ, अगर ये ट्रिक आपको पता रहेगा ना तो परसेंटेज का बहुत सारा सवाल आप बहुत आसानी से और बहुत फास्टली कर लेंगे। एक एक सेकंड में, दो दो सेकंड के अंदर आप परसेंटेज का सवाल बिना कॉपी पेन का यूज किए हुए आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि वो ट्रिक है क्या। तो पहले मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ और एग्जाम्पल लेकर के आपको उस ट्रिक को बताता हूँ। ठीक है, तो जैसे हम लोग को अगर 4% ऑफ 75 निकालना है, 4% ऑफ 75 निकालना है, ओके, तो हम क्या करेंगे? हमें जो परसेंटेज का फॉर्मूला पता होता है तो हम क्या करते हैं, 4/100 इंटू 75 करते हैं। ठीक है, 75 इंटू 4 कितना होता है, 300, देन 300 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3। ना एक जो ट्रिक जो है यहाँ पे जो हम अप्लाई करने वाले हैं वो है, एक्स परसेंट ऑफ वाई इज नथिंग बट वाई परसेंट ऑफ एक्स। ये ट्रिक याद रखिएगा, बहुत काम आने वाला है। इतना आपको करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप आसानी से दिमाग में ही कर सकते हैं सिर्फ एक सेकंड दो सेकंड में। ठीक है, तो एक्स परसेंट ऑफ वाई इज वाई परसेंट ऑफ एक्स, मतलब 4% ऑफ 75 को हम 75% ऑफ 4 लिख सकते हैं। अब देखिए, ये आसान लग रहा है ना, 4% ऑफ 75, ये थोड़ा टफ लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, कि कैलकुलेशन लग रहा है कि कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लेकिन 75% ऑफ 4 में आपको लग रहा है क्या कि कैलकुलेशन करना पड़ेगा? नहीं ना। तो 75% ऑफ 4 कितना होता है, डायरेक्टली आप 3 बोल सकते हैं। कितना टाइम लगा आपको, एक सेकेंड भी नहीं लगेगा और आप आंसर निकाल सकते हैं। सही बोल रहा हूँ ना? तो चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, 16% ऑफ 25, अब देखिए 16% ऑफ 25 तो दिमाग में आएगा 16/100 इंटू 25, वहीं पे आप तुरंत कॉपी पेन का यूज करना स्टार्ट कर देगा, 16/100 इंटू 25 मल्टीप्लीकेशन डिवीजन स्टार्ट कर दीजिएगा। बट अगर हम ये ट्रिक यूज करें तो हम इसको लिख सकते हैं 25% ऑफ 16, करेक्ट? तो 25% ऑफ 16 क्या होता है, 4। आंसर क्या आएगा, 4, 4 4 16, राइट? सो 25% क्या होगा, 4 होगा। आसान है ना, जिसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 8% ऑफ 50। अब 8% ऑफ 50 आप सोचिएगा कि 1% कितना होगा, 0.5 इंटू 8, सो 4। थोड़ा सा कैलकुलेशन हो रहा है, और जिनका कैलकुलेशन उतना अच्छा नहीं है उन्हें पेपर पेन का यूज करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसे इस ट्रिक से लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 50% ऑफ 8। डायरेक्ट दिमाग में आता है कि हमें आधा करना है, 8 का आधा कितना होता है, 4। यह आपका आंसर हो गया। मस्त ट्रिक है ना? तो परसेंटेज में ये ट्रिक आपको बहुत हेल्प करने वाला है, सो आप इस ट्रिक को याद रखिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको एक और बहुत ही मस्त वाला ट्रिक सिखाने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। जय हिंद।